नमस्कार, मैं आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। झारखंड में बढ़ सकती है सख्ती, बढ़ते कोरोना को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिया सुझाव। विधायक बंधु तिगी के बॉडीगार्ड की मौत, सिमडेगा में सड़क हादसे का हुए शिकार। गढ़वा पुलिस ने लूट और चोर गिरोह के 7 सदस्यों को पकड़ा, हथियार गोली 6 बाइक समेत कई सामान बरामद। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, युवक की नहीं हो सकी पहचान। गुमला के डुम्बी में घर से 200 मीटर की दूरी पर मिली ग्रामीण की लाश, आंख में गोदा चाकू, नाक व गला भी काटा। रामगढ़ में रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। पलामू में कुएं से मिला 3 दिनों से लापता युवक का शव, पत्थर से गुचा था चेहरा। धनबाद में अपने ही फ्लैट के नीचे मिला ओरिएंटल कंपनी के कर्मी का शव, छानबीन में जुटी पुलिस। पटना में 8वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद, बढ़ती ठंड को देखते हुए डीएम ने दिया आदेश। सिवान का डॉन अयूब खान गिरफ्तार, गंगटोक से पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान एसटीएफ ने दबोचा। बेगूसराय में बॉयफ्रेंड ने दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप का प्रयास, विरोध करने पर चाकू घोंपा, स्थिति गंभीर। मोतिहारी में घर के पीछे फेंका मिला युवक का शव, शाम को नए साल की पार्टी मनाने निकला था घर से। खगड़िया में बीजेपी नेता के घर में चोरी, सीसीटीवी फुटेज से धराए आरोपी। बंगाल में स्कूल कॉलेज बंद, सभी ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ होगा कामकाज। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय में फूटा कोरोना बम, 185 छात्र छात्राएं मिले कोरोना संक्रमित। मेसी समेत पीएसजी के 4 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, नेमार का भी हुआ टेस्ट। गोपालगंज में गन्ने के खेत में मिली महिला की अर्धनग्न लाश, जांच में जुटी पुलिस। एलओसी पार कर रहा पाकिस्तानी सैनिक ढेर, सेना ने पड़ोसी मुल्क से शव ले जाने को कहा। मेरठ में बोले पीएम मोदी, यूपी में पहले अपराधी और माफिया खेल खेलते थे, अब योगी सरकार उनके साथ जेल जेल खेल रही। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 13 छात्र कोरोना पॉजिटिव, अगले आदेश तक यूनिवर्सिटी बंद। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।